नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पितरों को यम यातना से मुक्ति दिलाने वाले गीता के तीसरे अध्याय के महात्म्य को श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पितरों को यम यातना से मुक्ति प्रदान होकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। महात्म्य सुनने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जन नामक स्थान में जड़ नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ। उसने अपना जातीय धर्म को छोड़कर बनिए का व्यवसाय अपनाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने की बुरी लत पड़ गई थी। वह अपने धर्म विपरीत जुआ खेलता, शराब पीता व शिकार खेलकर वन्य जीवों की हत्या करता था। इसी प्रकार उसका समय गुजरता था। धीरे धीरे उसका सब धन नष्ट हो गया था। अब वह व्यापार करने के उद्देश्य से उत्तर दिशा में चला गया और फिर वहां से बहुत सा धन कमाकर वह उत्तर दिशा को छोड़कर अपने घर लौटने लगा। उसने काफी रास्ता तय करने के बाद जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब वह एक वृक्ष के नीचे आकर बैठा। अचानक लुटेरों ने उसे धर दमोचा और धन के लालच में शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो जाने के कारण वह बहुत बड़ा प्रेत बना। उसका बड़ा पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा व वेदों का ज्ञाता था। उसने कई वर्षों तक अपने पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं लौटे तब वह उनका पता लगाने के लिए स्वयं ही घर से चल दिया। मार्ग में अपने पिता को खोजते हुए राहगीरों से पूछता, पर पिता का किसी भी प्रकार से कोई पता न चल सका। उसी समय उसे एक व्यक्ति से पता चला कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। यह जानकर उसे बड़ा ही शोक हुआ। वह बड़ा ही बुद्धिमान व धर्मनिष्ठ था। बहुत सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से उसने आवश्यक सामग्री साथ ली और काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाव डालकर 90 दिन वह उसी वृक्ष के नीचे जा पहुंचा, जहां उसके पिता लुटेरों के हाथों मारे गए थे। उसी स्थान के नीचे बैठकर उसने संध्या उपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसी समय उसे आकाश में भयानक धुन सुनाई दी और शीघ्र ही उसे आकाश से सुंदर विमान आता दिखाई दिया, जो महान तेज से व्याप्त था। उस विमान में सैकड़ों छोटी छोटी घंटियां लगी हुई थीं। उसके तेज से दिशाएं अलौकिक हो उठीं। उसने उस विमान पर अपने पिता को देखा तो दिव्य रूप धारण किए हुए थे। विमान पर आरूढ़ थे। उसके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनि जन उनकी स्तुति कर रहे थे। पिता को देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया, तब पिता ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद उसने अपने पिता से सभी वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने अपने पुत्र से इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, देव योग से मेरे समक्ष गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करने से इस शरीर द्वारा अनेकों दुष्ट यज कर्म बंधन से तूने मुझे मुक्ति दिला दी। अतः अब तुम शीघ्र ही घर लौट जाओ, क्योंकि जिस प्रयोजन से तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन गीता के तृतीय अध्याय के पाठ करने मात्र से पूर्ण हो गया। पिता के ऐसा कहने पर पुत्र ने पूछा, हे तात, मेरे हित का कुछ उपदेश दीजिए तथा जो कार्य मेरे करने योग्य हो उसे बताइए। तब पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें वही कार्य पुनः करना है। जो कार्य मेरे जीवित रहते हुए किए थे वही कार्य मेरे भाई ने भी किए थे।
अब भी घोर नरक भुगत रहे हैं और मेरे कुल में जितने भी व्यक्ति नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए, यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे घोर नरक से मुक्ति दिलाई है उसी का अनुष्ठान तुम अन्य लोगों के लिए भी करना। गीता के तृतीय अध्याय का पाठ आदि अनुष्ठान करके उससे प्राप्त होने वाले पुण्य को संकल्प कर नरक में पड़े जीवों को संकल्प कर दे देना, जिससे मेरे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो शीघ्र ही विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का ऐसा संदेश सुनकर पुत्र बोला, हे पिता, यदि मेरे द्वारा अनुष्ठान करने मात्र से मेरे पूर्वजों को सदगति मिलेगी तो यह धर्म में कार्य में अवश्य ही करूंगा। यह सुनकर पिता बोले, बेटा, एव मस्त, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यधिक प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र के आश्वासन देने के बाद पिता सीधे विष्णु के परम धाम को चले गए। इसके बाद पुत्र लौटकर अपने घर जन स्थान में आया और अत्यंत भव्य सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नरक में पड़े जीवों के उद्धार की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प कर सभी पूर्वजों को दे दिया। ठीक उसी समय भगवान श्री हर विष्णु के दूत यातना भोगने वाले सभी ब्राह्मण के पूर्वजों को मुक्ति दिलाने हेतु यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार से श्री हर के दूतों की वंदना की और कुशलता पूर्वक पूछा। तब वे दूत बोले, हे धर्मराज, हर कृपा से हमें सभी ओर से आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार कर पितृ लोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने श्री हर दूतों से यम लोक आने का कारण पूछा। तब विष्णु के दूतों ने कहा, हे यमराज, शेष सैया पर शयन करने वाले श्री हर विष्णु ने आपके पास कुछ संदेश देने के लिए हमें यहाँ भेजा है। भगवान, हम लोगों के मुख से आपकी कुशलता पूछकर आज्ञा देते हैं, आप नरक में पड़ी समस्त प्राणियों को मुक्त कर दें। विष्णु का ऐसा आदेश पाते ही यमराज ने सिर झुकाकर स्वीकार किया और मन ही मन में सोचा, इसके बाद नारकी जीवों को नरक से मुक्ति देखकर वे उन्हीं के साथ श्री हर विष्णु के निवास स्थान को चल दिए। वह श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर क्षीर सागर पहुंचे और उनके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान क्रांतिवान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हर के दर्शन किए। भगवान का तेज उनकी सैया पर बने शेष नाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दोगुना हो रहा था। श्री हरि आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे व उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर से योगी जन उनकी सेवा में लगया हुए थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानास्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान श्री हरि की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले वेदांत वाक्य मूल्यवान होकर भगवान श्री हरि के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान श्री हर पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योगियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में उन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचित किया था, उन सबको वे एक ही साथ कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान श्री हरि अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से
आमोदित कर रहे थे शीश नाग की प्रभा से उद्यासित एवं सर्वस्त्र व्याप्त दिव्य विग्रह धारण किए गए नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री हर ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री हर की विशाल झांकी देखकर यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा श्री हर की स्तुति करने लगे। समस्त जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यधिक निर्मल है। आपके ही मुख से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व रूप और आपके विधायक ब्रह्मा जी हैं। मेरा आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्घर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले श्री हरि आपको मेरा नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हर को मेरा नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्रों के जरा सा भी खुलने मात्र से आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्रधारी परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं, अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करने का अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होने पर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते हो। माया और माया जनित गुणों के बीच में भी स्थित होने पर आप पर उनमें से किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है क्योंकि आप असीम हैं। फिर भी आप वाणी के बस में कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत गुरु, आपके आदेश से मैंने इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मुक्त कर दिया है। अब मेरे योग और जो भी कार्य हो सो बताइए। यमराज के ऐसा कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस को सींचते हुए बोले, हे धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों को पापों से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार सौंपकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना कार्य करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान श्री हर वहां से अदृश्य हो गए। यमराज भी यमपुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री हर विष्णु के धाम को चला गया। दर्शकों, यह थी गीता के तृतीय अध्याय का महात्म्य। इसके सुनने मात्र से सभी जीवों को मुक्ति प्रदान होती है। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।